हेलो फ्रेंड्स, सुपर स्पाइसी किचन में आपका स्वागत है। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम बनाएंगे मसालेदार रोहू फिश करी। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी है ये, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मछली को दो बार अच्छी तरीके से धो के ले लें। उसमें डालेंगे हल्दी 1 से 1.5 चम्मच, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालें, जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 से 1.5 चम्मच, और इसे मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 2 टमाटर, 1 बड़ी चम्मच जीरा, 1 बड़ी चम्मच राई, थोड़ी सी गोलकी, 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर और थोड़े से गरम मसाले। इनका सबसे पहले पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए पेस्ट मैंने बना के तैयार कर लिया है। अब एक पैन में मस्टर्ड ऑयल लेंगे और उसे अच्छी तरीके से हीट होने देंगे। जब ऑयल में से धुआं निकलने लगे तब मछली के पीसेस को उसमें डाल देंगे। इसे दोनों तरफ से पलट के डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं, फिश फ्राई हो चुके हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से सभी फिश को फ्राई कर लेंगे। इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए सभी फिश डीप फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्प हैं। अब इसी पैन में थोड़ी सी मस्टर्ड ऑयल और डालेंगे, इसमें थोड़ी सी राई डालेंगे और थोड़ी सी मेथी डालेंगे। एक सूखी हुई लाल मिर्च को तोड़ के डालेंगे। अब इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट 3 से 4 बड़े चम्मच डालेंगे। इसे थोड़ी सी भूनेंगे और इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। राई जीरा मसालों का जो मैंने पेस्ट तैयार किया था अब वो इसमें डाल देंगे, 3 से 4 बड़े चम्मच डालेंगे। हल्दी 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चम्मच, वैसे आपको जितना तीखा पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालें ग्रेवी में। मिक्स करेंगे और मसालों को अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल अलग ना होने लगे। टमाटर को मिक्स करें। ये देखिए टमाटर अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं ग्रेवी में। मसाले लगभग भुन चुके हैं, इसे थोड़ी देर और भूनेंगे। ये देखिए मसाले भुन चुके हैं, अब इसमें पानी डाल देंगे। एक से 1.5 ग्लास पानी डालेंगे इसमें। ग्रेवी थोड़ी कम लग रही है, 1/2 ग्लास पानी और डाल देंगे और इसे बॉयल होने देंगे। ग्रेवी बॉयल होने लगी है, अब इसमें फिश को डाल देंगे। फिश को 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बॉयल होने देंगे जिससे कि ग्रेवी उसमें अच्छी तरीके से चली जाए। 15 मिनट हो चुके हैं, फिश हमारी बन चुकी है, अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए फिश हमारी रेडी है, अब इसे एक बॉल में सर्व कर लेते हैं। मसालेदार रेहू फिश करी रेडी है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी है, एक बार आप ज़रूर इस तरीके से बना के ट्राई करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।